मानसून की पहली बरसात और पहली बरसात में स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की स्थिति क्या है? देखिए, इस वक्त मैं फरीदाबाद के पॉश सेक्टर सेक्टर 14 में खड़ी हूँ। ये वो सेक्टर है जहाँ बड़े बड़े उद्योगपति निवास करते हैं, जो फरीदाबाद के सरकार को राजस्व देने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे सीवरेज हो या फिर जल निकासी की ये समस्या हो, समाधान के नाम पर मात्र आश्वासन मिलते हैं। मानसून जो है आगाज हो चुका है, लेकिन शहर की स्थिति जो है पहली बरसात ने उसकी पोल खोल कर रख दी है। अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी है। नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि मानसून कोई पहली बार नहीं आया, बरसात कोई पहली बार नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद किसी भी तरह से समस्या के समाधान के लिए, चाहे जल निकासी की व्यवस्था के लिए, ड्रेनेज लाइन साफ करने की बात हो, सीवरेज लाइन जो ब्लॉक हैं उनको साफ करने की बात हो, डिस्पोजल्स की बात हो, वहाँ पर उचित इंतजाम नहीं किए गए। और अगर उचित इंतजाम किए जाते, क्योंकि अधिकारी ये दावा करते हैं, तो शायद शहर की ये स्थिति कम से कम नहीं नजर आती। इस सड़क पर आप देखेंगे लोग आवागमन कर रहे हैं, पानी के बीच में से लोगों को निकल कर जाना पड़ रहा है। जो वाहन चालक, खासकर दुपहिया वाहन चालक, जब यहाँ से गुजरते हैं तो चिंता की लकीरें उनके माथे पर नजर आती हैं कि कहीं उनके वाहन यह रुक ना जाएं। घसीटते हुए कई जगह पर हमने वाहन ले जाते हुए वाहन चालकों, जलभराव की स्थिति आप देख रहे हैं, शहर के पोस्ट सेक्टर से गुजरते हुए वाहन के चालक किस तरह से परेशान है। सर, क्या स्थिति देख रहे हैं, क्या 14 सेक्टर में आप हो यहाँ पर? मैडम, चारों तरफ दरिया है, निकलने का कोई वो नहीं है, चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और फरीदाबाद में 3 ट्रम से केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो उन्होंने तो देखना चाहिए, फरीदाबाद का तो सुधार होना चाहिए। और कहाँ कहाँ रहते हैं सर आप? मैं तो सेक्टर 7 में रहता हूँ जी। तो वहाँ तो जब 14 में ये हाल है तो सेक्टर 7 तो निचला एरिया है, वो तो बहुत बुरा हाल है जी। बाकी ये देखो जी, पोस इलाका यही दरिया बनी हुई है पूरी, यहाँ से निकलना। आपको लगता है कि ये अधिकारी जो इस तरह से काम नहीं करते, मानसून की स्थिति पता होते हुए भी नहीं है? अभी तो मानसून आया कहाँ है जी, अभी तो पहली बारिश में ही ये हाल है। मानसून में तो पीछे आपने पता है, एक सेंट्रो गाड़ी में पूरी फैमिली मर गई थी, सेक्टर 16 में कहा। तो मानसून में तो मतलब यहाँ रहना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा जी फरीदाबाद में। भैया, क्या लगता है, क्यों नहीं सुनते अधिकारी? मैडम एक बात कह रहा हूँ आपसे, सेक्टर 14, 15, 16, 17 ये सारा गढ़ है जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों का गढ़ है, नेताओं का गढ़ है, सारे बीजेपी के, कांग्रेस के सारे नेता यहाँ रहते हैं जी। इन पोश इलाकों में इतना पानी भरा पड़ा है, ये स्मार्ट सिटी कहाँ से हुई मैडम? ये बता दीजिए मुझे, आप एक आम जनता हैं, बिल्कुल है, आप ये बताइए कि सरकार काम नहीं करवा पा रही है या अधिकारी करते नहीं है? सरकार नहीं करवा रही जी काम, अधिकारी की कोई ताकत नहीं। सरकार क्यों चाहेगी, सरकार नहीं करवाएगी, लोग नाराज होंगे, वोट नहीं देंगे, सरकार क्यों नहीं चाहेगी? कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को, कि ये है जो भी है कि मोदी के नाम से मतलब अपने वोट मिल जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार लग रहा है क्या? कॉन्फिडेंस का शिकार है जी। ठीक है भैया, आप भी सहमत हो क्या? हाँ बिल्कुल सहमत हूँ जी। सरकार अगर चाहे तो अधिकारी की क्या ताकत है जी कि काम ना के। आज हमारा मुख्यमंत्री, आपने सही कही, अगर नेतृत्व मजबूत हो, हमारा मुख्यमंत्री किसी रोड से निकलता है, वो रोड सुबह बिल्कुल नई बन के मिल जाती है, ये क्या अधिकारी करते हैं वो काम? अधिकारी की कोई ताकत नहीं है कि सरकार जो, अगर सरकार का डंडा नीली पकड़ है अधिकारियों पर, ये तो कह सकते हैं, पकड़ नहीं, पकड़ है ही नहीं, है ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। मैडम आप देख लो, मेरे हिसाब से आप सर ये बता दो मुझे, सरकार दोषी या अधिकारी दोषी? सरकार, सरकार क्यों? मैडम उनकी सुनता ही नहीं है कोई, अधिकारी सुनता नहीं है, ऑर्डर भी नहीं देते, ऑर्डर नहीं करते, जरूरत ही नहीं है। शक्ति डंडा उठा, जैसे स्कूलों में पहले पुराने जमाने में डंडा उठाते थे, अब नकेल कसने की जरूरत है, इनको जरूरत ही नहीं है मैडम, वोट अपने आप मिल जाते हैं मोदी जी के नाम पे, तो इसलिए इनको जरूरत नहीं है काम करवाने की। पब्लिक रोती रहती है जी, बिल्कुल। देखिए ये जनता है, ये यहाँ से निकल रहे थे और गाड़ी इनकी बंद हो गई यहाँ पर, और ये टीस नजर आ रही है कि मोदी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लोग दे भी देते हैं, तो यही कारण है कि सरकार सख्त नहीं है अधिकारियों के प्रति, और उसका नतीजा जो है वो शहर की स्थिति लगातार बयां कर रही है को देखा है। और देखिए, जब शहर का पॉश सेक्टर जो सुविधाओं से संपन्न माना जाता है, स्थिति वहां की ऐसी है, तो स्लम क्षेत्र की स्थिति क्या होगी? शहर की जो विभिन्न विधानसभाओं की कॉलोनियां हैं,
या इसी विधानसभा की कॉलोनियां हैं, उनकी स्थिति क्या होगी सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। कॉलोनियों में तो स्थिति कई जगह इतनी बदतर है कि वहां जब सीवरेज लाइनें चौक होने के कारण सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होकर इस बरसाती पानी के साथ मिलकर जो लोगों के घरों में प्रवेश कर गया है, जिन लोगों के घरों में सीवरेज का पानी रसोई घर में तैर रहा है, उन लोगों से पूछिए कि आखिर वो अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर क्या मंशा रखते हैं और अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर लोगों की टीस कितनी है, लोगों की नाराजगी किस तरह से है, ये व्यक्त किया लोकसभा चुनाव में जनता ने और हरियाणा में अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज जनता ने सबक सिखाने का काम किया और 5 सीटों पर भाजपा को संतुष्ट होना पड़ा। लेकिन समय रहते सरकार ने सुध ली, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब मात्र लगभग 2 महीने शेष हैं, तो इस सबके बीच में विरासत में मनोहर सरकार की तरफ से जो नाराजगी और तमाम समस्याएं नायब सरकार को वर्तमान में मिली है, अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर जनता की टीस मिली है, उसे किस तरह से सही कर पाते हैं, अधिकारियों पर किस तरह से उनकी कार्यशैली में सुधार लाकर जनता को संतुष्ट कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि बिजली पानी को लेकर शहर में वैसे ही हाहाकार मचा हुआ है, पॉश सेक्टर कॉलोनियों के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग कभी नगर निगम अधिकारियों के कार्यालय पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कभी FMDA का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन अधिकारियों की कार्यशैली को देखिए कि पहले आश्वासन भी दे देते थे, लेकिन अब सीधे हाथ खड़ा कर देते हैं और कह देते हैं कि यह संभव नहीं है क्योंकि संसाधन नहीं है। जबकि विधायकों की बात करें, विधायक कहते हैं कि भाजपा सरकार पूरी तरह से फरीदाबाद के विकास में जुटी हुई है और संसाधनों का किसी तरह का कोई अभाव नहीं है, तो फिर आखिर अधिकारी किन संसाधनों का अभाव बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं, ये जनता की समस्या परे है। विधायकों की टीस भी यही है कि जनता की तो दूर, विधायकों की भी अधिकारी नहीं सुनते हैं, कई बार दबे स्वर में तो कई बार विधायक मुखर होकर ये बात अपनी जो है वो सार्वजनिक तौर पर भी कह चुके हैं। लेकिन अधिकारियों की कार्यशैली भाजपा सरकार के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ाती जा रही है। बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज और ये देखिए शहर के पॉश सेक्टर का हाल, 14, 15, 16 बल्लभगढ़ की कॉलोनियां जो है, NIT क्षेत्र, नारकीय स्थिति, शहर की बडकल विधानसभा क्षेत्र अगर आप चले जाएं या फिर बाकी जो जगह पर हैं, कई कई फुट पानी भर गया है, सड़कें मानसून से पहले खोद दी गई हैं, बिना तालमेल के सरकारी विभाग काम कर रहे हैं और स्थिति ये है कि जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब नायब सरकार जनता की इस नाराजगी को किस तरह से दूर करेगी, ये इसकी इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। लेकिन जनता सिर्फ विकास जानती है और अगर ये विकास इसी तरह से अधिकारियों की मनमानी के चलते नजर आया तो शायद विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार के लिए कड़ी परीक्षा होने वाली है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।